नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टेबलेट में। दोस्तों, दिल्ली में ANM के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके फॉर्म फिलअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और अब आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं और फिर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आप कब से डाउनलोड कर पाएंगे और कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, आपके एग्ज़ामिनेशन कहाँ होंगे, किस डेट को होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपके जो लेटेस्ट न्यूज़ है, यहाँ पे आपके कोरिजेंडम आए थे ANM कोर्स के लिए और यहाँ पे देखिए आपके पहले जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के डेट थे 22 जून 2024 थे, तो फिर बाद में आपके 25 जून 2024 हुए और फिर उसके बाद यहाँ पे अभी तो कंप्लीट हो चुके हैं फॉर्म फिलअप और यहाँ पे आपके प्रोस्पेक्टस एक रिलीज़ हुए थे पहले ही, प्रोस्पेक्टस ANM डिप्लोमा कोर्स 2024-26। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में दी हुई हैं कि आप का जो एडमिट कार्ड होगा ये कब आपका डाउनलोड होगा और कब आपका एग्जामिनेशन होगा, किस डेट को, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं ANM के और वहीं पे आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में दी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ भी। तो यहाँ पे देखिए आपके डेट ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोड जो है ये कब है, ये आपका 27 जून 2024 से 4 जुलाई 2024 है और फिर आपके डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो डेट है, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, आपके एग्जामिनेशन आपके 7 जुलाई 2024 को होंगे संडे के दिन, और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग देखिए आपके 10 बजे से एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे और फिर आपको 12 बजे तक एग्जामिनेशन होंगे, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। दोस्तों, जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स में दी हुई रहेगी कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है और भी वहाँ पे इंस्ट्रक्शन सारे दिए हुए रहेंगे। दोस्तों, अगर बात करें कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो रिज़ल्ट आपका 12 जुलाई 2024 तक आएगा और आपके डेट ऑफ काउंसलिंग और पेमेंट ऑफ फ़ी जो है, ये आपके डेट ऑफ काउंसलिंग कब होंगे, 17, 18, 19 जुलाई 2024 होगा। यहाँ पे गलती से इन लोगों ने 22 लिख दिया है तो यहाँ पे 24 होगा, 17, 18, 19 जुलाई 2024। और फिर आपके जो सेशन जो स्टार्ट होने वाले हैं ये फिर INC के जो कैलेंडर है या फिर दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के जो कैलेंडर हैं उनके हिसाब से फिर आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो रिज़ल्ट का टाइमिंग है ये वेरी कर सकता है, जैसे यहाँ पे आपके जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन का जो टाइम दिया है कि आपके रिज़ल्ट कब तक आएंगे, तो रिज़ल्ट आपके यहाँ पे 12 जुलाई 2024 को आने वाले हैं, तो हो सकता है कि 1-2 दिन लेट हो, थोड़ा लेट हो, तो ये हो सकता है। रिज़ल्ट आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो आपको रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर के नोटिस बोर्ड में दिखाई देगा और फिर लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल के भी नोटिस बोर्ड में आपको दिखाई देगा और फिर बारा हिंदू राव के नोटिस बोर्ड में भी मिल जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर के और लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल के, दोनों के ही ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिए हुए हैं, RHTC के भी और लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल के भी। तो दोस्तों, आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे और आपका जो एडमिट कार्ड है ये 27 जून 2024 को आएंगे, 27 जून 2024 से 4 जुलाई 2024 तक आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे, फिर आप एग्ज़ामिनेशन 7 जुलाई 2024 को दे पाएंगे। तो दोस्तों, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को 27 जून को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके एडमिट कार्ड और हमारे चैनल पे इसका नोटिफिकेशन भी आएगा जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और दोस्तों, आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो उसके सिलेबस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, दिल्ली नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको जो दिल्ली में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं ANM के उसके सिलेबस आपको मिल जाएंगे।
और भी वीडियोस वहाँ पे दिल्ली के नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।